देश भर में लोकसभा चुनाव का शोर तो सुनाई देता है, लेकिन सुनने लायक कोई नहीं जो देश की जनता को एक सख्त और उम्मीदों पर खरा उतरने वाला प्रतिनिधित्व मिल सके। इसलिए जरूरी है जनता के साथ झूठे वादे करके सत्ता हथियाने वाली भाजपा सरकार को अब रुखसत किया जाए, यह कहना है स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव का, जो आज रेवाड़ी में पत्रकारों से बात कर रहे थे। यादव ने कहा कि भाजपा ने किसानों को डबल आमदनी की जगह डबल आफत दी है, इसमें कोई शक नहीं। 1 करोड़ रोजगार देने वाली भाजपा सरकार में बेरोजगारों की लाइन लग गई है। नोटबंदी और जीएसटी के कारण छोटे व्यापारियों का व्यापार चौपट हो गया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार हर स्तर पर नाकारा साबित हुई है। देखे K9 मीडिया के लिए रेवाड़ी से नवीन शर्मा की रिपोर्ट। जब इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा इशू आया पिछले 4 साल 4.5 साल, तब ये सरकार नदारद दिखाई, चाहे वो पंचकुला की घटना हो, चाहे वो हिसार की घटना हो, चाहे वो ये जो पूरे जातीय दंगे हुए थे हरियाणा भर में, रोहतक में, झज्जर में, जहाँ भी हुए थे, हर जगह पे सरकार नदारद नजर आई। तो ऐसे में इस सरकार को नकारना, बीजेपी सरकार को रिजेक्ट करना इस देश की जरूरत है। नमस्कार दर्शकों, मैं रीना शर्मा और आप देख रहे हैं K9 मीडिया, सच के साथ खबरें खास। सभी खास खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।